तरह से रोजगार और अब प्रदर्शनी सर लोग भी इसको जो है इसका लाभ उठा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं हिमाचल में इस तरह की चीजों को? प्रिजन्स जो है वो करेक्शनल सर्विसेज भी उसमें इंक्लूडेड है। जो हमारे इनमेट्स हैं, जो कैदी हैं, वो इस समाज के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कोई क्राइम किया है जिसकी वजह से उनको उसमें आना पड़ा है, तो इनको करेक्ट करके वापस समाज में फिर से सम्मिलित होने के लिए हम ये सब प्रोग्राम करते हैं, ताकि वो जब वापस जाए तो स्किल डेवलपमेंट हो जाए और अपना रोजगार कमा सके और अपनी रोजी रोटी कमा सके। तो ये प्रोग्राम चलता रहता है और ये इन्हीं के कैदियों द्वारा बनाया गया सारा सामान है। तो ये एक बहुत बड़ा वेलफेयर है, लोगों की भलाई, मतलब उनके भलाई के लिए, उनके परिवार चल पाए उसके लिए बहुत अच्छा प्रयास है। क्या अपील करेंगे, क्योंकि त्योहारी सीजन भी है और धनतेरस भी है? मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं शिमला के और जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ आएँ और देखें, और ये मार्केट रेट से बहुत कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, मॉल रोड पे आते हैं, यहाँ आएँ, देखें प्रोडक्ट्स को, पसंद करें और ले जाएं। इससे एक बहुत बड़ा मैसेज भी जाता है समाज में कि ये जो है हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं इन लोगों के लिए। थोड़ी इसकी पब्लिसिटी कर देना पड़ेगा आपको। हाँ नहीं नहीं वो लोगों को जी जी बेकरी तो आपका खूब बिकता है जी, नहीं जी जी बहुत। अंदर को लोग आएंगे नहीं तो बिकेगा नहीं। नैपकिन होल्डर, हां नैपकिन होल्डर, यहां रोटी का जो है ना मोबाइल के लिया हुआ है, उस पे कोई डिसीजन नहीं। बोले मैं करता हूं जैसे करते हैं सीएम साहब बात करते हैं, मैं सीधे जो मैंने बहुत चीजें चर्चा कर हमने बाय थे ना दीदी से है कि ये पीजीआई वालों ने खरीदी थी हॉस्पिटल 5,000 पीसेस लिए थे, थोक में बाहर ये चीज मिलती नहीं है। बता भी देना कितने हैं ये फ्रेंचाइज़ी।